अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने एक हदीस भेजी है और कहा कि इस हदीस को समझा दीजिए। हदीस इस तरह है कि हज़रत अस्मा बिनत यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितआमिन फ़अरज़ अलैना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया गया, आपने हमारे सामने भी उसको कर दिया, उसको पेश कर दिया। फ़कुलना ला नश्तही, हमने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हमें हाजत नहीं है। लिहाज में कहा उन्होंने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। तो आपने कहा ला तजमान नजो अन वकदिबा, कि तुम गलत बयानी को, झूठ को और भूख को एक साथ जमा मत करो। यानी तुम्हें भूख है लेकिन तुम सिर्फ लिहाज में जो है कह रहे हो कि नहीं हमें हाजत नहीं। जैसे उमूमन हम कह देते हैं कि नहीं भी नहीं हमें ज़रूरत नहीं है या हमारा पेट भरा हुआ है आप खाइए, तो लिहाज में उन्होंने भी कहा, उन्होंने देखा होगा कि भाई अल्लाह के रसूल के लिए खाना आया है और आप हमें भी पेश कर रहे हैं, तो आप जो है नहीं खा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने जो है माजरत करी। तो अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया कि जब भूख लग रही हो, कोई चीज़ सामने आ जाए तो खा लो, गलत बयानी और झूठ को और भूख को एक साथ मत मिलाओ। यानी जब भूख लग रही हो तो खा लेना चाहिए, जब अल्लाह की नेमत कोई सामने आए और मेज़बान जो है वो खाने के लिए कहे, तो जो है उसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, भूख के मुताबिक खा लेना चाहिए। तो ये खाने की कदर करना और उसकी एक तरह से शुक्रगुजारी करना भी हो जाता है। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि भाई गलत बयानी को और भूख को एक साथ जमा मत करो। यानी भूख है तुम्हें फिर भी तुम जो है सिर्फ लिहाज में मना कर रहे हो, ऐसा मत करो, जब भूख है तो खा लो, लिहाज लिहाज में मना मत करो इस तरह से भूख के बावजूद। और भी हैं रिवायतें इस ताल्लुक़ से जिसमें वजाहत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख होने के बावजूद मना मत किया करो, जब है ज़रूरत तो फिर खा लिया करो जब कोई पेश करे तो। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।